नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज है 1 नवंबर 2019 और आप यहां पर देखेंगे 20+ करंट अफेयर जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, हाल ही में 28वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आप आगे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किसने किया। हाल ही में रन फॉर यूनिटी का जो शुभारंभ किया है वो अमित शाह जी ने किया है। दोस्तों अमित शाह जी ने दोस्तों हाल ही में रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों मनाया गया है 31 अक्टूबर को। दोस्तों 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस हाल ही में मनाया गया, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है। दोस्तों आगे आप एक और चीज देखने वाले हैं, 31 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया गया, उसको भी हम देखेंगे। चलिए यहां पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में 28वां दोस्तों जो है व्यास सम्मान किसे दिया गया है। लीलाधर जागूरी जी को दोस्तों, लीलाधर जागूरी जी को 28वां दोस्तों व्यास सम्मान दिया गया, याद रखिएगा। इनका नाम है लीलाधर जागूरी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त अभ्यास, अभ्यास का नाम है शक्ति 2019, कब से कब तक दोस्तों चलेगा। इसमें कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे कि अभ्यास जो शक्ति है दोस्तों ये कब से कब तक चलेगा। तो भारत और जो है फ्रांस के बीच ये है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये कब से कब चलेगा, 31 अक्टूबर दोस्तों 13 नवंबर, यानी कि 3/1 से 1/3, यानी बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, 31 अक्टूबर से आपका 13 नवंबर तक चलेगा। दोस्तों ये नाम जो है अभ्यास का, उसका नाम है शक्ति 2019। जो लोग जानना चाहते हैं कहाँ पर ये होगा, तो दोस्तों ये राजस्थान में होगा, ये याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी आपको एग्जाम में देखने को यह मिलेगा, ठीक है। हो सकता है हर एक एग्जाम में इसको कवर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में जॉन वीदर स्पून दोस्तों इनका नाम है और इनका निधन हुआ दोस्तों, वे कौन थे, अभिनेता थे दोस्तों, कॉमेडियन अभिनेता थे, याद कर सकते हैं, एक्टर थे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जॉन वीदर स्पून दोस्तों का निधन हो गया, वे कौन थे, अभिनेता थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हाल ही में किस देश ने, देखिए दोस्तों नेपाल ने किया था, अब यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। दूसरा ये, हाल ही में किस देश की सरकार ने दोस्तों क्या किया, गुरु नानक देव जी महाराज जो है इन पर जो दोस्तों इनके जो जयंती था 550वीं जयंती पर दोस्तों सिक्का जारी किया, पाकिस्तान ने, याद रखिएगा, पाकिस्तान ने दोस्तों सिक्का जारी किया है गुरु नानक देव जी के 550वीं जो है जयंती पर, देश की सरकार पूछा है तो पाकिस्तान की सरकार ने दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कई जो है ऑप्शन में आ सकते हैं, अब नेपाल भी आ सकता है, भारत पे भी आ सकता है, आपका पाकिस्तान भी आ सकता है, तो जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको करना है, जो भी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्ण व्यापी योजना शुरू किया दोस्तों, तो नागालैंड, ये अलग हो गया है, नागालैंड सरकार ने दोस्तों जो है पूर्ण व्यापी जो है योजना शुरू किया, पूछ रहा है किस राज्य सरकार ने दोस्तों यहाँ पर पूर्ण व्यापी योजना शुरू किया, नागालैंड ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, शिव थापा और पूजा रानी, इनका नाम है शिव थापा और पूजा रानी, ओलंपिक टेस्ट इवेंट में कौन सा पदक इन्होंने जीता है, तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है दोस्तों, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल देखिए किसमें जीता है, ओलंपिक टेस्ट इवेंट में, ठीक है। कौन कौन लोगों ने, शिव थापा और पूजा रानी ने, याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक टेस्ट इवेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में किस राज्य के पूर्व लोकायुक्त, इनका नाम है एन वेंकट चला का निधन हुआ दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के पूर्व लोकायुक्त एन वेंकट चला का दोस्तों निधन हो गया है, कर्नाटक राज्य के दोस्तों, कर्नाटक राज्य के दोस्तों पूर्व लोकायुक्त एन वेंकट चला का निधन हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था यहां पर, 31 अक्टूबर का दोस्तों कौन सा दिवस और मनाया गया है, तो विश्व शहर दिवस, याद रखिएगा, विश्व शहर दिवस भी मनाया गया दोस्तों 31 अक्टूबर को, और साथ ही साथ कौन सा और दिवस मनाया गया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और 31 अक्टूबर को चलिए बताते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया दोस्तों, ये किस चीज़ के उपलक्ष्य में बनाया गया, मतलब किसको समर्पित ये था, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो भारत में मनाया गया है वो 31 अक्टूबर को मनाया गया, किस के उपलक्ष्य में मनाया गया है या किसको समर्पित था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला
पहला राज्य कौन बना है? अनुबंध खेती पर दोस्तों कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है दोस्तों, तमिलनाडु पहला राज्य बना है दोस्तों, अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, साद हरीरी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? दोस्तों साद हरीरी प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और दोस्तों ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? लेबनान के दोस्तों, लेबनान के प्रधानमंत्री थे। सरकार के विरोधी मतलब ये सभी आंदोलन या ये सब जो चल रहा था उसके कारण जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनका नाम है साद हरीरी, और प्रधानमंत्री से पद से जो इन्होंने इस्तीफा दिया है लेबनान के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर के 38वें संस्करण का उद्घाटन दोस्तों कहाँ हुआ है? 38वें जो है संस्करण का जो उद्घाटन हुआ है यूएई में जो है ये उद्घाटन हुआ है, शारजा इंटरनेशनल जो है बुक फेयर के 38वें संस्करण का उद्घाटन, याद रखिएगा यूएई में उद्घाटन ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, जो मैंने आप सभी लोगों से कल पूछा था, कल का क्वेश्चन था हाल ही में कुकुर तिहार महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और जिन जिन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया उनके नाम इस प्रकार हैं, सही जो आंसर बताया योगेंद्र शुक्ला जी ने, प्रवीण मिश्रा जी ने, चंचल देवगन जी ने और अंग्रेज सिंह जी ने, इन चारों लोगों ने नेपाल आंसर यानी कि सही आंसर ए बताया है। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं, देखते हैं कौन कौन लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का प्रश्न देख लेते हैं, देखते हैं कौन कौन लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो आज का जो प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत के कौन नियुक्त हुए हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके जस्टिस अरविंद बोबड़े, जस्टिस काटजू, जस्टिस टीएस ठाकुर या इनमें से कोई नहीं, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को लिख करके बताना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज था 1 नवंबर 2019 और आपने देखा यहाँ पर 20+ करंट अफेयर। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास हमारा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, और अगर आपने देखो सीखो स्टडी इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज के अभी तक मिलते रहे। देखते रहिए देखो सीखो स्टडी। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।